हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये एक कटोरी सूजी ली है मैंने, इसमें दही डालूँगी, पौन कटोरी दही है एक सूजी। जिस कटोरी से सूजी ली है उसी से पौन कटोरी दही ले लिया मैंने। 1/4 टीस्पून काली मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से, ये हमारे पास आधा टमाटर है, आधा छोटे साइज़ का है जिसको आधा बारीक बारीक काट लिया है, अदरक है जिसको बारीक काट लिया है, हरी मिर्च है। टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए कितना तीखा खाते हैं। धनिया पत्ता, ये चना दाल है जिसको भिगो दिया था और बॉयल कर लिया है, देखिए ये चने का दाल है। ये कैरेट है, चिली फ्लेक्स। अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं, इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें एक छौंका लगाऊंगी मैं, भगा दूँगी। ये देखिए ये हो गया, इसमें 1 टेबल स्पून बेसन है, मसाले में भी काली मिर्च डाला मैंने और चिली फ्लेक्स, और कोई मसाला नहीं डाला है। एक चमची तेल डाल रखा है मैंने, इसमें करी का पत्ता काट लिया है और राई, इसे तड़का लगाऊंगी। डाल दीजिए, अब इसमें इसका तड़का डाल दूँगी, इसे पोंछ के डाल देंगे। राई लगा हुआ है ना, इसमें इसको डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर इसको 5-7 मिनट छोड़ दीजिए। करीब करीब 10 मिनट रखे हुए हमें, तो अब इसमें या तो खाने वाला सोडा डाल लीजिए या तो इनो डाल लीजिए, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी क्योंकि फिर बेअसर हो जाता है, इनो मिला के रख लेंगे तो एक बार डालने के लायक मिला रही हूँ मैं। इतने में ये 1.5 ग्राम इनो है, एक पैकेट में मैं 3-4 बना लूँगी। हाफ टी स्पून इसमें ऑयल डाल रखा है, सरसों का तेल नहीं है, रिफाइन है, गर्म हो गया ये। अब इसमें डाल दूँगी इसको, ऐसे इसको ढक देना है, गैस को सिम करना है। ये हमारा एक हो गया, देखिए अब इसको निकाल दिया मैंने, एक साइड से लाल है देखिए, एक साइड से दूसरी साइड से देखिए, ये देखिए दूसरी साइड से ऐसा, इधर से ऐसे। दूसरा बना लूँगी, रीनो मिला रही हूँ उसमें। हमारा इसमें डाल दिया, गैस छुपा बंद कम करके, सॉरी इसको ढक दूँगी। ये हमारा एक साइड से हो गया है, थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड से पलट दूंगी, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, और इसको ऐसे पलट के दूसरी साइड से थोड़ी देर के लिए। ये हो गया, ये दूसरी साइड से इसको निकाल दिया मैंने। ढक देना है गैस कम करके। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, थोड़ा टाइम तो इसमें लगता है, और आप लोग इसको और सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो सब्ज़ी खानी हो। और
और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको नॉन स्टिक जो छौंका होता है ना, छौंका लगाने का कलछी जो होता है उसमें बनाइएगा, नहीं तो दूसरे वाले में चिपकता है ये। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में लेके देखिए, एक साइड से ही मैंने लाल किया है, दूसरी साइड से वैसे ही रख दिया देखिए। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी है, बच्चों को भी छोटा छोटा सा बना के दे सकते हैं स्कूल में। तो प्लीज़ बनाइए, खाइए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।